आदाब सलाम सत श्री अकाल हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। हेलो फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हर संडे को अताउल स्पोर्ट एंड हेल्थ क्लब की तरफ से एक साइकिल यात्रा निकाली जाती है, उसी क्रम में आज एक नया साइकिल यात्रा निकाली जा रही है और हमारे साथ है मंजू आलम। हेलो। और हमारे साथ एक नए खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, शमशेर आलम अंसारी। जब इनको पता चला कि साइकिल यात्रा निकलती है तो इन्होंने भी हमारी साइकिल यात्रा को ज्वाइन किया। तो आज हम लोग फ्रेंड चलेंगे भदोही जिला से मिर्जापुर जिला और फिर मिर्जापुर जिला होते हुए इलाहाबाद जिला के कुछ ऐतिहासिक जगह पे चलेंगे और चलते हैं आपको दिखाते हैं। हम बात करते हैं शमशेर आलम अंसारी से कि आज आपको कैसा लग रहा है, आप घोर में? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोगों के साथ हम ज्वाइन किए हैं। और हम मिर्जापुर तक तो डेली जाते हैं, आज मिर्जापुर से आगे तक जाएंगे वो भी साइकिल से। जॉब करने डेली जाते हैं मिर्जापुर तक, आज हम साइकिल से जाएंगे मिर्जापुर और देखते हैं आप कहाँ तक, जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक चलने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, चलेंगे। ठीक है, आपके जज्बे को सलाम करते हैं और साथ हैं मंजू आलम। मंजू आलम, दो शब्द आपके। हमें तो बहुत अच्छा लगता है और हम हर संडे को अताउल स्पोर्ट हेल्थ क्लब से जुड़े रहते हैं। गोपीगंज रेलवे क्रॉसिंग से हम लोग गुजरते हुए अब आगे की ओर चलते हैं। ये रामपुर घाट का रोड है। रात में बहुत ही सुहाना मौसम है और हल्का हल्का ठंडा है। और हम धन्यवाद कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने रोड को एकदम चकाचक बनाया हुआ है। रामपुर घाट पीपा पुल से हम लोग गुजरते हुए भोर के करीब 4:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कोई रास्ते नहीं है, सिर्फ हम ही लोग अपने आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मिर्जापुर से लेके इलाहाबाद तक रेलवे लाइन और रोड का जितने भी क्रॉसिंग है तो सभी को अंडरपास बनाया गया है, जो कि बहुत बढ़िया है और इससे जो है आपके समय की बचत होती है। और क्योंकि कोई क्रॉसिंग नहीं होता है, हम लोग अंडरपास से गुजरते हुए यहाँ का नज़ारा बहुत मस्त लग रहा है। अब हम लोग आगे जो है मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के हाईवे पे बस ये हम लोग पहुँच ही रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि भारतगंज के पुराने पुल से गुजरते हुए और यहाँ का नज़ारा बहुत ही गुड लुकिंग है। हम लोग मांडा के किले पे पहुंच गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि किले का गेट है। हेलो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं मांडा के किले आ गए हैं, जो प्रयागराज से करीब 55 किलोमीटर दूर है। 55 किलोमीटर मांडा के बारे में कहा जाता है कि राजा जयचंद के भाई मानिकचंद का जब वहाँ से कन्नौज में से पलायन हुआ तो वो जो है कड़ेमानिकपुर आके बसे और राजा जयचंद के 16वें वंशज गुहनदेव 1542 ईस्वी में मांडा के किले पर अपना अधिकार जाहिर किए। उनसे पहले यहाँ पे भरों का राज था, तो गुहनदेव ने भरों को हराकर मांडा किले पर अपना कब्जा किया और मांडा को अपनी राजधानी बनाई। रियासत का पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रभाव था, उनका इतना प्रभाव था कि ऐसा कहा जाता है कि शेर और हिरन एक साथ पानी पिया करते थे इनके राज में। और इन्हीं के राज में एक राजा हुए थे राजा भारत शाह, जो जिन्होंने भारतगंज को बसाया था। अब भारतगंज का बाजार पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है, किराना सर्राफा आदि के लिए बहुत फेमस है, जो कि आज भी दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं। इस किले की सबसे खास बात ये है कि इस किले के 41वें राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि बाद में भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए, वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। 1941 में 10 साल की उम्र में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ के 41वें राजा हुए और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सभी राजवाड़ों का भारत राज्य में विलय हो गया, राजवाड़ी उनकी ख़त्म हो गई और उसके बाद जो है जमींदारी प्रथा चालू हो गई। तो उसके बाद उनके अभी प्रेजेंट टाइम में उनके बेटे यहाँ के जमींदार हैं।
इस किले में राम जानकी मंदिर का सवा मन सोने का कलश सभी को बहुत चौंकाता है। कई बार इसको चोरी करने के लिए चोरों ने प्रयास किया, लेकिन इसके दैवीय शक्ति के प्रभाव से वो अंधे होकर गिर पड़े। इस किले का निर्माण 1255 ईस्वी में कराया गया था। यह किला पिछले 800 सालों में 3 बार तोड़ा और बनाया गया है। इस किले में ना जाने कितने रहस्य दफन हैं, यह सिर्फ किले की दीवारें ही बयां कर सकती हैं। 7 कुओं, 7 आंगन वाली ऐतिहासिक मांडा कोठी, तकरीबन 500 साल पुरानी राजस्थानी स्थापत्य कला की गवाही देती है। मांडा कोठी आज भी अपनी खूबसूरती बिखेरे हुए है।